My नेम इज़ Ashu हुसैन खोसो आई एम 38th Kaman. एथ काम माई आक्योपेषनल ग्रूप इज़ कॉमर्स एंड ट्रेड एंड आई डिड सी एस एस इन वे बैक इन नो में हमने ये जो CSS का सिलसिला था ये हमारा हुआ मेरा ताल्लुक जो है वो शहर टंडवादम से है सांगढ़ का ये एक तहसील है जहाँ से मेरा ताल्लुक है सफ़र जो आते हैं हम सी एस एस की तरफ तो uh, मेरी जो स्टोरी है आई थिंक इट विल इंटरेस्ट यू क्योंकि टू स्टार्ट विथ जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो बड़ा सिंपल बड़ा हम्बल सा है आई डिड ग्रेजुएशन ओनली एंड देट टू प्राइवेटली मैंने ग्रेजुएशन अपनी की थी मेरी पूरी तैलीम जो है एक छोटे से गांव की है uh, और ये सिर्फ मेरी कहानी ही नहीं है अक्सर जो है जो इस एग्ज़ाम के अंदर आप सी एस पी देखते हो आप कई को जानते भी होंगे तो उनका ताल्लुक भी किसी न किसी एक छोटे से इलाके से किसी छोटे शहर से उनका ताल्लुक होता है तो सफ़र कुछ यूँ शुरू हुआ कि 2007 का वक्त था एंड आई थॉट ऑफ गोइंग फॉर सी एस एस तो आई वेंट टू इस्लामाबाद क्योंकि आई फाउंड देट प्लेस सूटेबल फॉर प्रप्रेशन तो मेरा वहाँ जाना हुआ तो जब आप तैयारी कर रहे होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स की या पढ़ाई की तो आपको कोई ना कोई रहनुमा चाहिए होता है कोई गाइड चाहिए होता है जो आपको थोड़ा डायरेक्शंस दे आपको थोड़ा बताए कि जी इसका इस्कोप क्या है सो फॉर दिस पर्पज़ तो एक अदारा था जो मैंने जॉइन किया सो आई वेंट दियर सो आई कैन रिकॉल वन मेमरी दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू सिंस आई वॉज़ बिलोंगिंग टू वेरी हम्बल बैक ग्राउंड मेरी तहलीब भी बड़ी हम्बल तो जब मेरा वहाँ जाना हुआ तो एक सेशन था आई स्टिल रिम्बर के तकरीब चालीस पैंतालीस के करीब वहाँ पर पूरे पाकिस्तान में से जो सी एस एस के एस्परेंट्स थे जो कैंडिडेट्स थे वो आए हुए थे तो आई टुक द लास्ट बैच में पीछे वाली बैच पे जाके बैठ गया मैंने कहा जी आगे तो ये सारे वेल सूटेड बूटेड बच्चे हैं जिनकी बड़ी अच्छी तैलीम है तो वो हम हम हमसे तो कई गुना आगे होंगे तो लिहाजा एक सेशन जो पहला पहला हुआ था तो छोटा सा पैराग्राफ वहाँ लिखवाया गया कि जी अकॉर्डिंगली फिर हम रैंकिंग करेंगे बच्चों की कि जी टॉप बैच में कौन जाएंगे और सेकंड जो हमारी बैच होगी तो उसमें हम किन बच्चों को रखेंगे तो नेक्स्ट डे व्हेन आई केम हम सारे वहाँ पर जमा हुए तो जैसे रैंकिंग शुरू हुई तो पहले जो बीस थे उनके नाम लिए गए जी ये फोर्टीनथ नंबर पर है ये फिर थर्टी नंबर पर है तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो पहले नंबर पर मेरा नाम आया तो मैं सच बताऊँ तो बड़ा हैरान मैं बड़ा हैरान हुआ ना अमूमन तो लोगों को बड़ी खुशी होती है कि आई हैव टॉपड इन दिस पैटी टेस्ट जो छोटा सा था बट आई वाज सिंपली स्पेल बाउंड सरप्राइज़ हुआ शॉक्ड कि ये क्या हुआ है सो आई वेंट टू टीचर्स रूम में वहाँ पर गया और मैंने सर को कहा कि सर कहीं फिगर अमंग से फर वाली बात तो नहीं है कि सारे से हैं और मैं फिगर हूँ उनके अंदर तो देन ही सेट के नो no, जी ये सब कुछ भी नहीं है एंड यू नो मच अबाउट इंग्लिश आपका एक्सप्रेशन ये बड़ी चीज़ें अच्छी हैं कुछ ख्यालों के ऊपर भी बात हुई तो ये मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलेगी क्योंकि हमने जो खुद खुद ख्याली एक पाल रखी है कि जी मेरी तैलीम यूँ है मेरा बैकग्राउंड ये है मैं पहली बार इस्लामाबाद आया हूँ तो हम डर से जाते हैं सहम से, से जाते हैं एक फोबिया का शिकार हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से वी शुड कम आउट ऑफ इट आप हमने हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया है कि हम खुद को ट्राई ही नहीं करते जब आप खुद को आजमाते नहीं हैं किसी मैदान में उतरते नहीं हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बाजू में कितना दम है आप कितने कैपेबल हैं तो बड़ी मुझे रियलाइजेशन हुई एंड आई फिन टेल दिस स्टोरी टू द न्यू एस्परेंट्स द कैंडिडेट्स दोस्तों को मैं बताता रहता हूँ कि नेवर जज यूर सेल्फ मेयरली बाय जस्ट योर अपीरेंस या जस्ट बाय योर बैकग्राउंड जो भी आप उन चीज़ों को काउंट दैम इज़ योर स्ट्रेंथ बल्कि ग्रीक जो मैंने कहीं पर एक पढ़ा था कि जो ग्रीक ग्रीक जो टीचिंग है ग्रीक जो स्कूलिंग है वहाँ पर तो उनका कहना है कि जी बंदा पढ़ता है हालात से सरकमस्टेंसेज से जैसे ओशू इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट राइटर्स वो कहते हैं कि नेचर इट्स सेल्फ इज़ ए टीचर तो जी ये जब बल्कि आप किसी हम्बल बैकग्राउंड में हैं या आपके पास सो so कॉल्ड वो आरइशें नहीं है तो मीन्स यू हैव गट सो मैनी टीचर्स वो कहते हैं नेपोलियन के आ, मेरा सबसे जो बड़ा टीचर है वो ट्रबल्स हैं आ, ट्रबल वो जैसे कैसे भी आता है कि स्वीट आर द यूज़ ऑफ एडवर्सिटीज़ का मतन भी कुछ इस तरह का ही है तो ये जो आपके एडवर्स सरकामस्टैंसेज हैं प्लीज़ काउंट देम इज़ योर स्ट्रेंथ दे आर योर टीचर्स दे हैव टॉट यू मच और आप बल्कि यूँ ना लिया करें कि जी फिलहाल जो है फ़िलहाल स्कूल में पढ़ा है फिलहाल इदारे में पढ़ा है ये डिफेंस में रहता रहा है लाहौर में या बाहर से पढ़ के आया है तो बल्कि यू शुड थिंक आ, अ लिटल डिफरेंटली कि यार इसको इतनी जो है लर्निंग नहीं होगी हुई होगी प्रैक्टिकल जितनी कि मुझे हुई है प्रैक्टिकली सो दिस इज़ आई हैव टू से तो वो स्टोरी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से शेयर करूँ तो आई सिटिंग ऑन द लास्ट बैच डूइंग टॉप वे टॉप हुआ फिर इसी से एक स्टोरी और भी जन्म लेती है वो ये थी कि जब ये इस तरह का सिलसिला हुआ तो चंद दिनों में जो वहाँ के टीचर्स थे तो उनको पता चला कि जी मिस्टर खोसो इज़ वेरी गुड एट ग्रामर एंड इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन एंड एस तो आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर इट विद यू कि वही हम्बल बैकग्राउंड वाला बंदा ऑन द वन हैंड तैयारी कर रहा है सी एस एस की और उसी इस्ला में उसी वक्त में उसको जो है वो रखते हैं अपना टीचर सो आई बिकेम पार्ट ऑफ एन अकेडमी इन इस्लामाबाद और फिर मैंने 2007 से वहाँ पर जो जो मेरे पास इल्म है जो मेरे पास नॉलेज है तो मैंने वहाँ से फिर पढ़ाना भी शुरू कर दिया अब इससे लर्निंग ये है कि अगर मैं ये महज ये सोचता कि बिलोंग टू अ स्मॉल विलेज तो मैं एक नहीं जाता अगर मुझे लगता कि जी यहाँ पर तो सूटेड बूटेड अगर मैं अपेरेंस के धोखे में पड़ जाता तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठा होता ये जो मैं आज आपसे मुखातब हूँ शायद इस तरह से मैं मुखातब नहीं होता देखें जो ये फ़ियर फैक्टर पाया जाता है बच्चों के अंदर इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ कि ये फ़ियर है क्या आ, ये फ़ियर है ना कोशिश करना दिस इज़ बेसिकली द फ़ियर ऑफ नाट मेकिंग एन एफर्ट आप कोशिश ही नहीं करते अब ये इसका बैकग्राउंड है जाहिर सी बात है जो बच्चा जो भी हमारा दोस्त है जो इस फील्ड के अंदर नहीं आ रहा या आने के बाद छोड़ कर चला जाता है तो उसका एक बैकग्राउंड है इसकी कुछ रीज़न्स हैं रीज़न यह है कि हम वही सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा चलते हैं आपको कई लोग मिलते हैं कहते हैं कि जी बड़ा मुश्किल इम्तहान है बारह सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं फिर उसको वो एसोसिएट करते हैं वो सब करते हैं कि जी आप सिलेबस तो देखो कितना बड़ा है दस दस किताबें वहाँ सजेस्टेड जो रीडिंग में किताबें लिखी हुई हैं फिर वो इधर उधर की बातें करते हैं दुनिया का आपके पास इल्म होना चाहिए एक फनी चीज़ ये भी है कि कई लोग तो हमसे कोई एम पूछ लेते हैं कि जी एफिल टावर की हाइट क्या है अगर आती है तो आप सी कर सकते हो या नहीं कर सकते इट इज फनी पार्ट सिंस ये जो एम सी क्यू टाइप थेंगे इट डजन वर्क इन सी दैट मैच तो ये आपने पहले स्फियर फैक्टर को ठीक करने का मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ यू कम आउट ऑफ दिस सिलेबस गिवन बाय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आप उस सलेबस को भी छोड़ें इट इज़ टू लैंड दियर बहुत बड़ा है कई किताबें वहाँ बताई गई हैं आप छोड़ें इसको ये दैट डजन वर्क एक्चुअली आप किसी की बात को भी ना सुने नॉट इवन टू मी नॉट टू एनी बडी एल्स मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ आप क्या करें कि पच्चीस से तीस साल के पुराने पेपर उठा लें कोई भी पेपर उठा लें आपने सोशोलॉजी उठानी है तो बीस साल के पेपर उठा लें आपने ऐसे भी अगर देना है तो आप बीस साल के पेपर उठा लें आप एक हफ्ता घर बैठें आप ख़ुद से अपना एक सिलेबस जनरेट करें आपको लगेगा कि सेम क्वेश्चन हैं सेम एरियाज़ हैं जो रिपीट होते हुए आ रहे हैं मिला करके अगर मैं कहूँ तो देर आर अराउंड टेन एरियाज इन ईच हंड्रेड मार्क सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने पड़ते हैं ऐसे के अगर उनवान ले लें ले तो क्या है हमारे पास कुछ हमारे डिस्क्रिप्टिव इशूज़ हैं एनर्जी है वाटर है एलिट्रेसी है ओवर पॉपुलेशन है इस तरह के मिला करके कुछ छः आठ ईशूज़ हैं जो रिपीटली आते हैं फिर कुछ हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट हैं कुछ सिस्टम्स हैं एजुकेशन उसका मेरिट कोई डी पूछ लिया या कहीं कोई एक आधा कोटेशन भी आ जाता है लेकिन आप कोटेशन को साइड पे रख लें क्योंकि आपका आपके नौ से सिदा सबको ऐसे के टॉपिक दिए जाते हैं उनमें से भी हो सकता है सिमिलरली आप पाकिस्तान अफेयर का अगर सिलेबस उठा लें तो उसके अंदर पाकिस्तान मूवमेंट है आ, जो स्टोरी टाइप अगर एक ही बुक में गुलशजा की में किताबी बता देता हूँ अगर वहाँ से इसको आप थोड़ा ये चैप्टर पढ़ लें तो यू कैन कवर इट आप तो लिहाजा हम हमें क्या करना चाहिए किसी से पूछने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है यू जस्ट गो थ्रू द पास्ट पेपर्स आप अपना सिलेबस बनाए यू विल फाइंड के दस के करीब एरियाज हैं जो हर साल आ रहे हैं तो दिस इज़ हाउ यू कैन ओवरकम दिस फीयर ये फियर कौन सा है जिसमें आपको बताया गया है कि जी ये तो ओशन है ये तो समंदर या आप डूब जाओ ये हो जाएगा इस तरह का कुछ भी नहीं है इट इज़ अ वेरी स्मॉल एंड लिटल स्कोप फिर उनकी कुछ एंगल्स हैं जो दैट आई कैनाट टेल इन डिटेल राइट नाउ बट आई एम श्योर कि वेन यू गो थ्रू द पेपर्स तो यू विल हैव इन क्लिंग आपको एक आइडिया हो जाता है कि इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट जितना लोग हमें बता रहे हैं